ओके क्लास, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज एडिशन। तो जब भी हम बात करते हैं एडिशन की, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से मजे भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं हमारा, दैट इज एडिशन। जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि हमें चीज़ों को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, 10 बॉल्स और ले आए आप, तो आपके पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 15। तो ये होता है हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसमें एडिशन करते हैं। एडिशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर, अब हमारे साथ थोड़ा लेवल बढ़ गया है और हमसे यहाँ पर बोला गया कि अब आपको जो एडिशन करना है वो करना है 3 डिजिट नंबर्स में, ठीक है, और कैरी भी करना है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ABCD। तो यहाँ पे हम बी पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 100 tens 1s, और यहाँ पे हमें 2 circles गिवन है, इसमें कैरी आउट लिखेंगे। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 147 + 283, क्लियर। चलिए तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन। 4 + 3 7, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 8 + 7 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो जैसे हमारे पास 2 digit नंबर आया तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये आगे वाले डिजिट हम यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है। फिर 2 + 1 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर। तो ये होता है हमारा कैरी आउट। अब इसके लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन आए थे जे, तो जे में भी हमें क्या गिवन है, 100 tens 1s के बने, और यहाँ पे आ गया 1 4 7 2 5 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, और यहाँ पे हम अपना सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए 8 + 7 + 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 15 5, कैरी का 1, 5 + 4 9 + 1 10, अगेन 2 digit नंबर आ गया 10, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, 1 को आगे कैरी कर देंगे, 2 + 1 3 + 1 4, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, तो नीचे इतना लिखने का वो नहीं है, अगर आपकी कमांड अच्छी बन जाए तो। चलिए तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं के। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 2 3 3 3 7 9, और हमें यहाँ इसको प्लस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 9 + 3 12 12 2, यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पे 7 + 3 10 + 1 11 का 1, यहाँ पे 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये हो गया हमारा एडिशन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है एडिशन, हाँ, एडिंग 4 digit एडिशन विद कैरी ओवर। तो बस एक डिजिट और बढ़ा दिए, हंड्रेड्स के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1000 आ गया। चलिए इसको भी करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास हो गया डी पार्ट, डी पार्ट को ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1000 100 tens 1s, क्लियर। तो यहाँ पर है हमारे पास 6 5 4 7 1 2 8 5, अब इनको प्लस करना है, सेम फॉर्मेट रखेंगे हम, 7 + 5 दैट इज 12, 12 का 2 यहाँ पर,
वन कैरी, 8 + 4 = 12 + 1 = 13, तो 3 यहाँ पर कैरी 1, 5 + 2 = 7 + 1 = 8, 6 + 1 = 7, तो हम सिंपल क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एच, तो यहाँ पर ले लेते 1000, 100, 10, 1s, तो यहाँ क्या हमारे पास 5, 1, 6, 8, 1, 2, 8, 6, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए सर्कल्स। चलिए तो अब ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या है, 8 + 6 = 14 = 4 = 1, 8 + 6 = 14, 1 + 15 = 1, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6, क्लियर। तो आप सिंपली इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं डायरेक्टर में। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ थ्री और मोर नंबर्स, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 रोज थी, अब हमारे पास कितनी रो हुई है, 3 रो। ये भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सा हमारा एडिशन का काम बढ़ जाएगा, बाकी हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बी पार्ट। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1000, 100, 10s, 1s, यहाँ आ जाएगा 1, 8, 2, 3, 4, 3, 1, 7, 2, 7, 8, 1, ठीक है, इसको प्लस करना है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 10 + 3, 10 + 1 = 11, 11 का 1 यहाँ पर लिख लेंगे हम, ठीक है। कैरी का 1 यहाँ पर आ गया, 8 + 2 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12, कैरी 1, देन 7 + 3 = 10 + 8 = 18 + 1 = 19 का 9, कैरी 1, 2 × 2 = 4 और 8, तो ये हो गया हमारा 8, 9, 2, 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसमें आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहले आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हो, उनके ऑर्डर आगे पीछे चेंज कर लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आंसर उसका सेम आता है। 7 + 4 या 4 + 7, द आंसर विल ऑलवेज 11। 172 + 389, इसका सम कितना है, 561। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, 389 + 172, तो ये कितना हो गया, 561, क्लियर। ये हो गया हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप प्रॉपर्टी। ग्रुप प्रॉपर्टी के लिए अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं पहले क्या बोला गया, व्हेन एडिंग 3 और सॉरी When adding 3 numbers, you can group them in any way. The sum remains the same. अब देखिए इन्होंने बोला कि अगर आपके पास 3 numbers है, देखिए हमने यहाँ पे पहले किसका ग्रुप बनाया, 6 + 2 + 7 करा, तो क्या आ गया, आंसर 15। अब मैंने क्या करा, पहले 2 + 7 का ग्रुप बना दिया, तो करा तो वहाँ 9 + 6 कितना आ गया, 15। तो आप कभी भी किसी का भी ग्रुप बनाएंगे पहले, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी जीरो प्रॉपर्टी। इसमें बताया जाता है कि when we add 0 to a number, the sum is the number itself. अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, तो उस नंबर क्या आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। जैसे 37 + 0 क्या आ गया, 37। 8975 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 8975। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो बस हमें अब एडिशन की एक्सरसाइज की बने यहाँ पर। चलिए इसमें से एक दो पार्ट करके देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट हो तो। चलिए जी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100, 10s, 1s, आ गया 5, 7, 5, 3, 3, 6, ऐड करना है, ठीक है। 6 + 5 = 11 का 1, कैरी का 1, 7 + 3 = 10 + 1 = 11, 1 here, 1 carry, 5 + 3 = 8 + 1 = 9, हो गया 9, 1, 1, क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज 5 पर। देखिए जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है,
देखिए अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, इटसेल्फ ऐसा ही पढ़ा था हमने, यहाँ पे भी आ जाएगा दिस वन। ठीक है, अब 0 प्लस दिस या 0 सॉरी दिस नंबर प्लस 0 या 0 प्लस दिस नंबर द आंसर विल बिकम 4675। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 नंबर्स है। तो पहला नंबर ये रहा हमारा, दिस नंबर विल बिकम दिस नंबर, तो बचा क्या हमारे पास दिस, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 3759। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग बाकी के पार्ट सॉल्व कर लें। अब आ जाते हैं हम अपना वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स समझने के लिए आपको क्या करना है कि लैंग्वेज पे फोकस करना है और हमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बोला गया था रामू सेव इन जनवरी, जनवरी में रामू ने कितने सेव करा अमाउंट 5759, फरवरी में सेव करा उसने 1380, मार्च में सेव करा 2195। हाउ मच मनी डिड शी Did he save in all? तो उसने कितना पैसा टोटल सेव करा है? तो अब देखिए चले करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेविंग्स इन जनवरी। ठीक है, कितना है हमारे पास सेविंग्स, रुपीज 5795। क्लियर, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम सेविंग्स इन फरवरी। वहां पे सेविंग्स कितनी है हमारी 1380। नेक्स्ट आता है सेविंग्स इन मार्च। सेविंग्स इन मार्च की बात करें तो कितना आ जाएगा 2195। ठीक है, चलिए और यहाँ पे हमें अब क्या निकालना है, टोटल सेविंग्स। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल सेविंग्स हिडन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा टोटल सेविंग्स के लिए। चलिए 5 + 0 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 0 यहाँ पर कैरी 1, 9 + 1 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 9 = 27। तो 2 कैरी 10, 11 = 12, 13, 3 कैरी 1। ठीक है, 5 + 1 = 6 + 1 = 7, 8, 9। तो ये हो गया हमारा 9377। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आ जाता है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया। चलिए तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से भी देखा है, तो आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जितना अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड में आएंगे। ऑल द बेस्ट।